हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सम्भाल और मेरे पास है पोको का M6 Pro 5G। दोस्तों, अगर आपका इसमें लैंग्वेज हो चुका है चेंज, तो आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे करना है, आज वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, चलना है पहले आपको सेटिंग में। देखिए, सेटिंग में आना है आपको और साइड में जो सिंबल दिया है इसको मार्क करते हुए नीचे आना है आपको। देखिए, यहाँ पर ऐसे एक सिंबल आ जाएगा, 3 डॉट है बीच में, सर्कल के बीच में है 3 डॉट। ये आपका है एडिशनल सेटिंग, ये क्लिक करना है आपको इसको। और ऊपर से आना है 2 नंबर में, ऊपर से 2 नंबर में क्लिक कर लीजिए, फिर से ऊपर वाले को क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, अरे कुछ अभी जो लैंग्वेज था वो अभी इंग्लिश हो चुका है। देखिए, मैं शुरू से करता हूँ, अभी फिर से गया यहाँ पर सेटिंग में। ओके, नीचे आना है आपको, ये सिंबल को मार्क करते हुए आइए। देखिए, ऐसे आपको एक डॉट मिलेगा, लिखा होगा एडिशनल सेटिंग, क्लिक कर लीजिए। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेट एंड टाइम, उसके नीचे आपका है लैंग्वेज ऑन इनपुट, क्लिक कर लीजिए। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है लैंग्वेज, क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप लैंग्वेज को आराम से चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू पोको M6 Pro 5G। तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पर, देखिए, अगर हिंदी चाहता हूँ करने के लिए तो आपको क्या करना है, नीचे आना है आपको, मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी आपका, सिलेक्ट कर लीजिए हिंदी में। सब कुछ देखिए, आपका हिंदी हो चुका है। अभी फिर से लैंग्वेज को यहाँ पर करना है आपको इंग्लिश इंडिया, फिर से आ गया, सब कुछ हो गया इंग्लिश। ओके दोस्तों, थैंक यू।